हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिहारी लड़की ब्लॉग्स। तो चलो आज पिज़्ज़ा बनाते हैं। और आज मैं ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने जा रही हूँ। तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्रेड मैं रखी हूँ। और ये देखो, ये है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, ये है टोमेटो केचप और ये है सेजवान चटनी। तो इसको मैं रखी हुई हूँ ब्रेड के ऊपर लेयर करने के लिए। और टॉपिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पनीर को कट कर लिए हैं और साथ में कैप्सिकम, ऑनियन और ये रहा टमाटर और ये रहा मोज़रेला चीज़ जो मुझे पिज़्ज़ा में डालना होगा। और यहाँ पे है ये, और ये रहा ओरिगैनो और ये रहा चिली फ्लेक्स। और देखो यहाँ पे मैं एक बॉल में मोज़रेला चीज़ निकाल करके रखी हूँ। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी मैं ब्रेड पिज़्ज़ा कैसे बना रही हूँ। तो आप देख सकते हो जो भी मैंने सामान डाला है इसमें, मैं यहाँ पे सारा कुछ रख दी हूँ। मैं फिर से आपको बता दूँ, ये है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, टोमेटो केचप, सेजवान चटनी और ये रहा ब्रेड। ब्रेड बिल्कुल फ्रेश है, अच्छा है ब्रेड। और आपको भी इस तरह का ही ब्रेड लेना है ताकि आपको खाने में भी अच्छा लगे। और ये रहा सीजनिंग्स और ओरिगैनो और ये रेड चिल्ली। और यहाँ पे ये रहा मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ का फ़ायदा होता है ना कि ये बहुत छोटा छोटा ऐसे पीसेज में कट आता है तो आपको डालने में ईजी होगा। और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कॉर्न भी डाल सकते हो, बट मैं अभी कॉर्न नहीं, मैं पनीर डाल रही हूँ, कैप्सिकम डाल रही हूँ और यहाँ पे प्याज ली हूँ और ये ली हूँ टमाटर। तो चलो बनाते हैं अभी। और ये देखो टॉपिंग के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड रखा है, ब्रेड के ऊपर मैं पिज्जा पास्ता सॉस लगा रही हूँ। ये देखो आप कम ज्यादा कर सकते हो, बट थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में डालोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। तो पिज्जा पास्ता सॉस को आपको इस तरह से मिला लेना है। आप इसे स्पून के हेल्प से, नाइफ के हेल्प से, कुछ भी आपको इस तरह का दिखे फ्लैट चीज जिससे आप इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हो, तो उससे आप इसे अच्छे से मिला लेना। और ये देखो आपको दिख रहा होगा वीडियो में, काफी अच्छे से मैं मिक्स कर ली। तो ये एक लेयर हमारा गया पिज्जा पास्ता सॉस का। और दूसरा जो लेयर होगा वो मैं लगाऊंगी सेजवान चटनी, ताकि इससे थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट आएगा तो अच्छा लगेगा। और सेजवान चटनी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है। और इसे भी इसी तरह से जैसे मैंने पिज्जा पास्ता सॉस को किया था ना, उसी तरह से इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। ये देखो आपको दिख रहा होगा वीडियो में, काफी अच्छे से ये मिक्स हो गया। और इसको भी अभी मिक्स कर लेते हैं। ये देखो ये भी काफी अच्छे से मिक्स हो रहा है और ये सेकंड लेयर हमारा चला गया इसमें। अब हमारा यहाँ पे ये टॉपिंग कंप्लीट हो गया है, इसमें मैंने दो चटनी लगाया है। अब इसके ऊपर ये जो है मैंने कट करके रखे थे वेजिटेबल्स, वो अभी इसके ऊपर डेकोरेट करूंगी। तो ये देखो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से रख सकते हो ताकि वो देखने में भी खूबसूरत लगे प्लस खाने में भी अच्छा लगे। तो ग्रीन, रेड और ऐसे आप रखोगे ना तो काफी अच्छा लगता है देखने में भी। और ये देखो फिर मैं पनीर भी डाल दूंगी इसमें, पनीर, कॉर्न, आपके पास मशरूम है तो मशरूम भी डाल सकते हो। ये देखो आप अपने अकॉर्डिंग इसे जितना सजा सकते हो टॉपिंग को। तो मैंने यहाँ पे अभी पनीर और प्याज, टमाटर और मैंने पनीर को छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिए हैं, तो उसे अभी सजा देती हूँ। और ये देखो कितना खूबसूरत लगना ये स्टार्ट हो गया अभी से ही। ये देखो इस तरह से हमें रख देना है, ये हो गया डेकोरेट। और अब मैं इसमें ये चीज डालूंगी, ये देख सकते हो बहुत छोटे छोटे क्यूब में है और ये इजी होता है इसमें डालना। जिसे चीज ज्यादा पसंद है वो यहाँ पे चीज ज्यादा भी डाल सकते हैं, जिसे कम पसंद है वो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। तो अभी चलो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मैं मीडियम रखूंगी, बहुत ज्यादा भी नहीं डालूंगी और बहुत कम भी नहीं डालूंगी। तो ये देखो ये अभी खाने में कितना, देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, तो ये खाने में और भी ज्यादा टेस्टी और अच्छा होगा। और इसमें मुझे सॉल्ट बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि सॉस में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो मुझे इसमें सॉल्ट नहीं डालना है। तो चलो अभी इसे बेक करते हैं। मैंने ये देखो यहाँ पे मैं पैन को रख रही हूँ गर्म होने के लिए। तो और आप जब पैन को रखो और पिज्जा बना रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा भी मुझे हीट नहीं करना है, ये पैन ऑलरेडी काम भर हीट हो चुका है। और देखो यहाँ पे हमारे पास इसका कवर नहीं है, हमारे पास दो कवर है इस तरीके का, तो मैं इससे कवर करने का सोच रही थी बट ये बहुत चिपक जाएगा तो मैं इससे नहीं कवर करूंगी। ये मेरा इडली का है,
इडली का जो स्टैंड होता है ना उसका ही कवर है, तो मैं इससे इस तरह से कवर कर दूंगी। तो चलो पहले पिज्जा रखते हैं फिर इससे कवर करेंगे, थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो चलो अभी पिज्जा रखते हैं इसके ऊपर, ये हमारा ब्रेड पिज्जा। यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ भी ब्रेड के ऊपर ही जो भी मैंने लगाया है, मैंने यहाँ पे बटर नहीं डाला और फ्लेम को बिल्कुल कम करके रखी हूँ। और अभी इसे 5 मिनट के लिए इससे कवर कर दूंगी। मैंने आपको दिखाया था कवर, ये हमारा इस पैन का कवर नहीं है हमारे पास, ये हमारा इडली स्टैंड का कवर है। तो आपके घर में भी जो भी हो कवर करने लायक तो आप कवर कर सकते हो। तो चलो अभी इसे 5 मिनट के बाद देखते हैं। और ये देखो यहाँ पे मैं उसी प्रोसेस से और भी 3 ब्रेड पे इसी तरह से अच्छे से डेकोरेट कर ली हूँ। और यहाँ पे हमारा पिज्जा अभी बनने के लिए बैठा हुआ है, तो देखो ये धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। तो अभी इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दूंगी। और एकदम गैस के फ्लेम को मैं बिल्कुल कम पे करके रखी हूँ, बिल्कुल मीडियम है वो। और देख सकते हो ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलो मैं पिज्जा बनने देते हैं, फिर देखते हैं कैसा बना है, आपको दिखाऊंगी मैं। और यहाँ पे ये देखो हमारा ब्रेड बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है, हमारा ब्रेड पिज्जा। और आपको आवाज पता चल रहा होगा, ये देखो काफी अच्छा हुआ है। तो चलो मैं अभी इसे कट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। कट करने के पहले मैं इसके ऊपर सीजनिंग्स और मैं चिली फ्लेक्स डाल दूंगी, फिर उसको कट करूंगी। तो पहले इसके ऊपर मैं सीजनिंग्स डाल रही हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हो, चिली फ्लेक्स, सीजनिंग्स, जो भी आपको पसंद है, क्योंकि इसमें तो दोनों चीज जाता है। तो अभी इसके ऊपर डालूंगी मैं चिली फ्लेक्स। आपको आवाज सुनाई दे रहा होगा ये जब कट हो रहा है तो कितना क्रिस्पीनेस का आवाज आ रहा है इसमें। और ये देखो मैं आपको बैक साइड से भी आपको दिखा दूं, ये देखो बैक साइड में कितना अच्छे से ये सिक चुका है। और मैंने इसमें कुछ भी घी बटर कुछ नहीं डाला था, बस मैंने डायरेक्ट ब्रेड को रखा था। तो चलो इससे भी काट लेते हैं। और ये देखो हमारा पिज्जा यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलो अभी निकालते हैं। और ये देखो मैं इसके हेल्प से इसको निकालूंगी और इसे मैं प्लेट में रख रही हूँ। और ये बहुत ही अच्छा सिका है इसमें, ये देखो। और आप लुक वाइज भी देख सकते हो काफी खूबसूरत लग रहा है ये। तो पहले मैं इन तीनों पे सीजनिंग्स डाल दे रही हूँ और फिर मैं इसके ऊपर। और ये देखो मैंने यहाँ पे पिज्जा को कट कर दिए हैं और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रिस्पी सिक गया है और ये बहुत यमी है खाने में। आप लोग प्लीज अपने घर में भी इस तरह से बनाना और मुझसे शेयर करना कि ये कैसा लगा आपको खाने में। ऊपर चिली फ्लेक्स भी डाल दूंगी, ये देखो। आप चाहे तो इसे कट भी करके खा सकते हो या बिना कट किए भी खा सकते हो। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।